हे गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेरे न्यू हॉबी के बारे में बताया था, उसी हॉबी से रिलेटेड आज का वीडियो है, तो उसी का ये कंटिन्यूएशन है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक हाइब्रिड साइकिल राइड फ्रॉम डीकैथलॉन। सो ये जो मॉडल है, ये है रिवरसाइड 100 बाय बीट्विन, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल गियर साइकिल इन द मार्केट जो मैं ढूंढ पाया इन द न्यू कैटेगरी। तो बात करते हैं अब हम इस साइकिल के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने मिले। सो ये जो फ्रेम साइज आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज अ लार्ज फ्रेम साइज। ये साइकिल में आपको 3 फ्रेम साइज के ऑप्शन मिल जाते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। सो वो आप डीकैथलॉन के स्टाफ से अपनी हाइट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी हाइट 5'10" है, तो मुझे लार्ज साइज का फ्रेम सूट करता है, एंड ये मेरा इसमें राइडिंग पोस्चर एकदम परफेक्ट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक हाइब्रिड साइकिल है। हाइब्रिड साइकिल का मीनिंग ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको रोड पे यूज़ कर सकते हैं, रोड यूज़ के लिए बनाया गया है, एंड कभी कभी ओकेजनली आप इसको टेरेन पे या ऑफ रोड पे लेके जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके टायर से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो टायर साइज़ है, ये 28 इंचेस का टायर साइज़ है। जो इसका टायर प्रोफाइल आप देखोगे अगर सामने से, तो काफ़ी पतले टायर्स हैं। पतले टायर्स का रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइब्रिड साइकिल है और मोस्टली स्पेसिफिकली ये रोड यूज़ के लिए डिज़ाइन की गई है, ना कि एक MTB साइकिल की तरह। तो जो पतले टायर है, ये पतले टायर से आपकी जो स्पीड है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो रोड पे आप काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हो, और वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। दूसरा चीज़ जो मुझे फील होता है पतले टायर से, कि आप कम एफर्ट में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। सो इफ़ यू वॉन्ट टू कवर मोर डिस्टेंस बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट, सो यू शुड गो फॉर अ हाइब्रिड और अ रोड साइकिल। अब हम आगे ब्रेक्स देखते हैं, तो ब्रेक्स आपको आगे और पीछे दोनों वी ब्रेक मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, तो बहुत लोग निराश हो जाएंगे, बट निराश होने की कोई बात नहीं है। इसका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही बेहतरीन है, एंड काफ़ी पावरफुल ब्रेक्स है, तो आपको थोड़ा संभल के यूज़ करना चाहिए ब्रेक्स को। उसी के साथ आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट सस्पेंशन नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ अ इकोनॉमी रेंज की साइकिल, स्टार्टिंग रेंज की साइकिल, तो इसमें आपको फ्रंट सस्पेंशन नहीं मिलेगा। रेयर में भी कोई सस्पेंशन नहीं आएगा, बट दैट इज़ ओके अनलेस एंड अनटिल आप इसको ऑफ रोड लेके जाएंगे। मुंबई जैसी सिटी में बहुत सारे गड्ढे होते हैं, तो हाथ पे आपको काफ़ी हैंड पे वाइब्रेशंस आएंगे, बिकॉज आगे सस्पेंशन नहीं है। हैंडल बार की बात करूँ, तो हैंडल बार नॉर्मल साइकिल से तो वाइड है, लेकिन मेरी जो दूसरी MTB की साइकिल जो मैंने आपको कीस्टो की दिखाई थी, उसका हैंडल बार मुझे इससे भी ज़्यादा वाइड लगा। हैंडल के जो ग्रिपर्स है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट डिसेंट है फॉर अ 10 किलोमीटर ऑफ राइड। ब्रेक्स के जो लीवर है, ये भी काफ़ी मोटे हैं और काफ़ी अच्छा फीडबैक देते हैं, सो बिग थम्स अप फॉर दैट। ब्रेक का परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं आगे का ब्रेक मारूंगा तो पीछे का पोर्शन हवा में उठ जाएगा, देखिए इतना अच्छा इसका पावरफुल ब्रेकिंग है। दिसंबर का महीना चल रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद द वेदर। दिसंबर में मुंबई में बारिश हो रही है, इसी की वजह से हमको गार्डन से इंडोर एरिया में गैराज में आके शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वीडियो मुझे कंप्लीट करना था। तो मैं बात कर रहा था गियर्स की, तो ये जो साइकिल है सबसे अफोर्डेबल गियर साइकिल है, एंड यहाँ पे आपको 6 गियर्स मिल जाते हैं, और जो पूरा गियर का सेटअप है, इट इज़ बाय बीट्विन, एंड काफ़ी स्मूथ गियर्स है, अच्छे स्मूथ शिफ्टिंग हो जाती है, और बहुत ही मज़ा आता है गियर्स के साथ राइड करने में। फ्रंट में आप हैंडल बार पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको गियर सिस्टम दिया गया है, जो आपके हैंड के साथ ट्विस्ट करने से आप गियर्स चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से लेके आपको 6 तक यहाँ पे मार्किंग मिल जाती है। रेयर में भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। रिफ्लेक्टर इज़ नॉट अलोन सफिशेंट, आपको ज़रूर आगे और पीछे दोनों तरफ लाइट लगानी चाहिए। उसी के साथ आपको टायर्स में व्हील रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सीट की। जो इसकी सीट है, आप देख सकते हो नैरो डिज़ाइन की सीट है, और मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ इस सीट पे। तो बैठने के बाद कुछ राइडिंग पोस्चर ऐसा लग रहा है मेरे बाइक पे, एंड जो सीट है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ही नॉर्मल स्टैंडर्ड सीट है, तो
मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक मेमोरी फोम सीट कवर इसके ऊपर इंस्टॉल कर दें, जो कि लगभग 400 रुपीस के आसपास आ जाता है। उससे जो आप राइड कर पाओगे वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर कर पाओगे बिना अपने बम को सोर किए हुए। सो दैट इज़ अ मस्ट फॉर दिस बाइक। सो ये एक बेसिक साइकिल है एंड अभी आपको ये साइकिल पूरी स्टॉक कंडीशन में दिख रही है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको बेल नहीं है, यहाँ पे बॉटल होल्डर का प्रोविजन दिया गया है, ये आयरन कीज लूज़ करके आप यहाँ पे बॉटल होल्डर लगा सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि प्यास बहुत लगती है ह्यूमिड क्लाइमेट में। इसमें स्टैंड भी अभी नहीं लगा हुआ है, तो स्टैंड आपको अलग से लगाना पड़ेगा। आई वुड रिकमेंड कि आप ज़रूर आगे और पीछे रिफ्लेक्टर्स तो है, लेकिन एक लाइट लगाना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जो इसका सीटिंग पोस्चर, राइडिंग पोस्चर है, वो भी बहुत कंफर्टेबल है, इजीली आप 10 टू 20 किलोमीटर्स पर डे कवर कर सकते हो। जो पेडल्स है, पेडल्स भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं एंड काफ़ी अच्छा ग्रिप देते हैं जब हम साइकिलिंग करते हैं। एंड साइकिल की वेट की बात करें तो वेट बहुत ही हल्का है, आप देख सकते हैं कि इतना इजीली इसको उठा लिया है साइकिल को। एंड उसका एडवांटेज आपको पूरी तरीके से मिलेगा राइडिंग में, जितना लाइट रहता है उतना मज़ा आता है साइकिल को राइड करने में। नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं सीट एडजस्टमेंट की, तो यहाँ पर जो सीट एडजस्टमेंट है ये आपको एलन की का स्क्रू यूज़ करके करना पड़ेगा। यहाँ पे क्विक रिलीज सिस्टम नहीं दिया गया है जिसमें क्विक रिलीज हो और आप इजीली इसको विद इन अ सेकेंड चेंज कर ले। यू विल हैव टू यूज़ अ टूल टू एडजस्ट द सीट हाइट। और फ्रंट में भी आपको क्विक रिलीज सिस्टम नहीं दिया गया आगे के टायर में, तो अगर आपको ये साइकिल को ले कर जाना है कहीं पर ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको कार के टॉप या रेयर कैरियज सेक्शन में लगाना पड़ेगा। आप फ्रंट टायर को डिसमेंटल करके कार के अंदर नहीं ले जा पाएंगे। सो आप सब जानना चाहेंगे इस साइकिल की कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, तो ये साइकिल आती है सिर्फ 9000 रुपीज़ में विथ 6 गियर्स बी ट्विन का सिस्टम। सो ये एक बहुत ही अफोर्डेबल एंड वन ऑफ द बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी साइकिल्स है। मैंने साइकिल को राइड किया है 2 दिन, उसके बाद मैं रिव्यू कर रहा हूँ। डीकैथलॉन को एंड बी ट्विन को बिग थम्स अप फॉर प्रोवाइडिंग इंडियन मार्केट विथ सच अ गुड साइकिल एट ओनली 9000 रुपीज़। साइकिल के जो बेसिक एक्सेसरीज है उसके लिंक आपको मेरे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाके इजीली साइकिल के एक्सेसरीज़ को परचेज कर सकते हैं। सो आप लोगों को कैसी लगी ये साइकिल नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, एंड आपके क्या ओपिनियंस है वो भी नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द रिवरसाइड 100 बी ट्विन साइकिल, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड मैं ट्राई करूँगा वो सारे क्वेश्चंस को आपको आंसर करने का। सो आई एम श्योर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ ऑल योर बाइकर फ्रेंड्स। और ऐसे वीडियोज़ जल्दी ही आएंगे, सी यू सून गाइस।